हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कुछ नया। तो हम यहाँ आज बनाएंगे अनरसा। जी हाँ फ्रेंड्स, अनरसा हम लोग जो बाहर से खरीदते हैं उसको हम घर में बनाएंगे। तो इसको हम बहुत ही मतलब अलग तरह से बनाएंगे। कोई भी चीज़ फ्रेंड्स, अगर हम पूरे प्रोसेस से बनाएं तो वो जो डिश बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो अगर मार्केट स्टाइल में खाना है और बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर चाहिए तो बिल्कुल ऐसे ही आप बनाइएगा, तो वैसे ही आप बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पर मैंने जो चावल लिया है, कोई भी क्वालिटी का आप चावल ले सकते हैं, उसको मैंने 2 दिन पहले भिगो दिया था और उसका 5 से 6 घंटे में पानी आप बदलते रहिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ चावल भिगोना है और 4 से 5 घंटे में पानी चेंज करते रहना है। तो ये फ्रेंड्स 2 दिन का चावल है। तो ये देखिए, ये ऐसे दबाने से ऐसे मैश मतलब सॉफ्ट हो गया है ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और इसको हमें क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है कि ये चावल हमें 2 दिन से कम नहीं भिगोना है। इसको हम क्या करेंगे, इसका हमें चावल फ्रेंड्स थोड़ा सा सुखाना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक अंगोछा ले लिया है, जितना चावल है सब इसी में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स चावल ऐसे धोइएगा कि उसकी स्मेल ना रहे, और इसको हम पतला पतला ऐसे फैला देंगे और इसको थोड़ी देर हम पंखे में रख देंगे, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। फिर हमें इसको मिक्सी में इसको पीसना है, सूखा ही पीसेंगे फ्रेंड्स, इसमें पानी वगैरह नहीं हम मिलाएंगे। जब इसको पीसेंगे और इसको फिर हम कैसे यूज़ करना वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये फ्रेंड्स चावल थोड़ा सा सूख जाए, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चावल को हमने 1 घंटे के लिए पंखे में रख दिया था। फ्रेंड्स इसको धूप में नहीं सुखाना है, इसको पंखे में ही सुखाना है। और इसका सारा पानी सोख कर लिया है, यानी कि ये सॉफ्ट भी है और गीला नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट चावल है। तो तोड़ने पे ऐसे ये टूट रहा है, और जो अंगोछा है वो भी अच्छे से मतलब गीला हो गया है, थोड़ा सारा पानी उस अंगोछे ने एब्सॉर्ब कर लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे। पानी वगैरह हमें कुछ नहीं ऐड करना है, ऐसे ही सिंपल सा पीस लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, हम एक चलनी ले लेंगे और एक तसला परात कुछ भी ले लीजिए, और ये मैंने पीस लिया है। और ये जितना भी आटा मैंने पीसा है उसको चाल कर ही हम यूज करेंगे, तो जिससे कि मोटा मोटा जो है वो ऊपर रह जाए और थोड़ा सा महीन चावल हमको मिल जाए। और जो मोटा मोटा है फ्रेंड्स उसको हम हटा देंगे, चाहे दोबारा पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम चावल को पीसने के बाद आगे बताएंगे क्या करना है। फ्रेंड्स अगर ऐसे बनाएंगे तो जो अनरसा बनाया जाता है फ्रेंड्स ऐसे ही बनाया जाता है। उसका सही प्रोसेस यही है कि 2 से 3 दिन आप चावल उसको भिगो दीजिए और उसका 4 से 5 घंटे में पानी चेंज करते रहिए, जिससे कि चावल में स्मेल ना आए। और जो लड्डू वगैरह बनता है चावल का, वो बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है। अगर आपको चावल के लड्डू की रेसिपी चाहिए तो मुझको आप कमेंट में कमेंट करिए, तो मैं बताऊंगी चावल के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। तो ये देखिए है ना, बिल्कुल फाइन एकदम बन गया है। तो वो वाला भी जो फ्रेंड्स हम उसको पीस के इसी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको कर लिया है, छाल लिया है सारा, और बिल्कुल ही ये महीन हो गया है। इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर हमने फ्रेंड्स पिसी हुई चीनी ली है, चीनी नॉर्मल वाली थी, हमने इसको पीस लिया है। और इसमें हमने 2 से 3 इलायची मिलाई थी। तो मीठा जो है फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करिएगा। इसी तरह हम में ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम 1 से 2 चम्मच में देसी घी ऐड करेंगे, और फिर इसको अच्छे से सारी चीजें हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से।
इसको हम जब फ्रेंड्स अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और बाद में ही हम इसमें जो इसकी बाइंडिंग देंगे वो हम दूध से ही देंगे। चीनी मुझे कम लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी है। तो चीनी में भी मॉइस्चर होता है और चावल में भी मॉइस्चर है। तो पहले आप इस तरह से देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से दबा दबा के मिला लीजिए। जितना भी मॉइस्चर इसमें छोड़ना होगा छोड़ देगा, और दूध हम बाद में मिलाएंगे। रुक थोड़ा सा, मतलब जब अच्छे से बाइंडिंग ये होने लगेगा। घी हमने इसलिए डाला है, घी से थोड़ा सा अंदर से सॉफ्ट भी रहते हैं, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दूध हमें कैसे डालना है। ये नॉर्मल दूध है, रूम टेम्परेचर पे। इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अच्छे से बाइंड कर लेंगे। ये देख रहे हैं ना कितना थोड़ा सा हो गया। अब ये चावल फ्रेंड्स भीगेगा, भीगने के बाद और सॉफ्ट हो जाएगा। बस हमें अब इसे कुछ नहीं करना है, इसको हमें फ्रेंड्स ओवरनाइट ऐसे ही ढककर हम रख देंगे। रख कर रख दीजिए, या फिर आप धूप निकली हो धूप में रख दीजिए 4 से 5 घंटा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर रात भर के लिए इसको रखेंगे ढककर, और जब बनाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको एक रात के लिए ढककर रख दिया था। कुछ इस तरह का है। इसमें फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा आटा मिलाया है, और क्योंकि मैं थोड़ा सा ये गीला हो गया था तो इसमें आटा आप मिला सकते हैं। अगर चावल का आटा अगर आपने बचाया है तो चावल का ही आटा मिलाइएगा। तो मैंने जो गेहूं का आटा था वो थोड़ा सा मिलाया है। तो ऐसे ही कुछ कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सफ़ेद तिल थोड़ा सा इसी में मिक्स कर लेंगे। बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स हमें, इसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल हम इसमें मिलाएंगे, और इसकी जब गोलियां बनाएंगे तो बस इसी में हम मिलाते जाएंगे। ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हमको बनाना है। तो हम हाथ में थोड़ा सा घी तेल आप कुछ भी लगा लीजिए, इसकी छोटी छोटी हम गोलियां बना लेंगे। तो जो अनरसा होता है फ्रेंड्स बिल्कुल छोटा छोटा ही होता है, तो हम छोटी ही छोटी गोलियां बनाएंगे। और क्या करेंगे, इसे तिल में इसको डिप करके हम ऐसे रखते जाएंगे इस तरह से। बस कुछ नहीं करना है, हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करके को रख देना है। तो सारी गोलियां हम बना लेते हैं, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गोली बनाकर रेडी कर ली है। आपको किसी भी सेफ में रखना हो रख सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़े भी साइज में भी बनते हैं, तो आप किसी भी सेफ में इसको रख सकते हैं। तो मैंने ये छोटी छोटी सी गोलियां बनाई हैं और इसके ऊपर तिल अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसको हम चलते हैं फ्रेंड्स छानने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम इसमें गोलियां डालेंगे। और आप चाहे तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। हम यहाँ पर तेल का यूज कर रहे हैं, और तेल को हमें एकदम मतलब खौलाना नहीं है, हल्का सा ही थोड़ा सा गर्म रखेंगे, मतलब कच्चापन ना रहे, और गैस को ज्यादा हमें तेज करना नहीं है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको डाल देंगे, नहीं तो ही फ्रेंड्स अंदर से नहीं पकेंगी और फिर कच्ची कच्ची रह जाएंगी, अंदर से ये हार्ड हो जाएंगी। तो पहले हम थोड़ी सी ही गोलियां इसमें डालकर देखेंगे, फिर बाद में हम और इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस को बिल्कुल ही धीमा कर दिया है, और उसको धीमे ही आंच पर हमें सेकना है। और ये जो गोलियां हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फटने लगी हैं, मतलब ये बहुत अच्छी बनकर रेडी होंगी। तो गैस को बिल्कुल ही धीमा कर देंगे और धीमी ही आंच पे इसको हम, ये देखिए आप देख रहे हैं ना इस तरह से ये गोलियां, अगर इसका पेस्ट अच्छा बना होगा तो ऐसे फटने लगेंगी। बिल्कुल धीमी आंच में हम कर देंगे जिससे कि अंदर से भी अच्छे से ये पक जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रहेगा, तब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से ये
पड़ गया है और अंदर से भी बिल्कुल पक गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसको पकाना है। आप देखिए कि कलर इसका कितना बढ़िया आया है, ये देखिए, है ना। तो ऐसे इसको पकाएंगे तभी ये बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा अंदर बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ही बढ़िया अनारसा बनकर रेडी हुआ है, ये देखिए। और बहुत ही सॉफ्ट है, कहीं से भी कच्चे नहीं है फ्रेंड्स। आप ये देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये पके हैं। तो इसी तरह फ्रेंड्स हम इसको घर में बना सकते हैं। बाहर से मार्केट से लाते हैं तो कैसा रहता है, कैसा तेल रहता है। आप इसको घी में फ्राई करिए, इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये अनरसे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई कुछ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।